शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हेलो, हाँ मैं आपने फोन किया था, एक मिनट। हाँ हाँ आ गया। हाँ अम्मी, अभी अभी भेजा है मासी ने नंबर, कर लेंगे बात। और वैसे भी ना, ये शादी के जल्दी आपको है हमें नहीं, और ये डेटिंग वेटिंग के तमाशे भी आप ही की वजह से हो रहे हैं, और आप अच्छे से जानते हो कि हमें शादी करने में अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा, नहीं 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 नहीं, देखो प्लीज़ प्लीज़ आप फिर से रोना मत शुरू करो। हाँ हम कर लेंगे बात, हम मिल लेंगे, जैसे ही काम खत्म होगा वैसे। ठीक है, अब रखें फोन। आप ये जिक्र किसी से ना करें तो बेहतर होगा। क्या जिक्र मैडम सर, मैंने तो कुछ सुना ही नहीं। अम्मी, मौसी, लड़का, शादी, फोन नंबर, कुछ नहीं सुना। मैं तो आपको बस ये बताने आई थी कि चीता को कल रात गांव जाना पड़ा, फैमिली इमरजेंसी। ये लीव एप्लीकेशन है, बस ये देने आई थी। ओके, थैंक यू। जय हिंद मैडम सर। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। मत छोड़ना, बिल्कुल मत छोड़ना। अरे लिखो, कंप्लेंट लिखो, टाइम पास मत करो, लिखो। अरे कैसा आदमी, चुप। मैडम इसकी रिपोर्ट लिखो बिल्लू की। किया क्या इन्होंने? अरे क्या किया, क्या फर्क पड़ता है, मुझे जेल में डालो, टाइम पास मत करो, कंप्लेंट लिखो, 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 लिखो। ए, सब क्या नौटंकी हो रहा है हा? मैडम इसने हमारी बिरयानी खाई, वो भी उधार में। वो पैसे चुराए वो? हाँ, हमारे गले से पैसे चुराए, तब भी मैं माफ कर देता। इसलिए मैंने इसके हमारी गुलाबों को छेड़ा, इसलिए। मैडम इसे अंदर करो। हाँ अंदर करो ना मैडम, करो ना, करो। टोपा समझो हमें, हमको सब मालूम है तुम ये किस लिए की हो, इसे यहाँ हेन टेन नहीं, बाहर जाओ जाके नौटंकी करो अपना, माफ किया तुम्हें, निकलो। अच्छा अब समझ में आया। करिश्मा मैडम, हसीना मैडम के परमिशन के बिना हमें जेल में डाल नहीं सकते। अरे आमिर भाई, आप मेरा बाल बाका नहीं कर सकते। बताते हैं कि कौन किससे बंधा हुआ है। संतोष अंदर डाले से, और खाना मत देना इसको। आज भी मेरा मंगलवार है। जा अंदर। मैडम शुक्रिया। अरे जा। अरे मैं कर दूं, कर दूं, इसकी आदत है। अब जा आराम करो, जा जा जा। अरे वाह, इस पर तो बेड भी आ गया। वाह मिलू तेरी आयशे। अरे वाह, क्या खबर है आज अखबार में, औरतें एक बार फिर रॉकेट से अंतरिक्ष में पहुंच गई सफलतापूर्वक। अच्छा अंतरिक्ष की बात छोड़ो, जमीन पर आज भी हालत खराब है, बड़ा आया अंतरिक्ष की बात करने। अरे औरत जो है आज भी राइट इंडिकेटर देके लेफ्ट मुड़ जाती है। चुप। हे भगवान, पागल आदमी। अरे अरे ऐसी जगह पे खून कि दरवाजा भी नहीं खुल रहा है, पता नहीं कौन दे देते इनको लाइसेंस। हे भगवान, पागल आदमी, दिखाई नहीं देता है, मेरी गाड़ी ठोक दी तूने। देखिए मैडम, गलती आपकी है, आप गलत तरीके से गाड़ी चला रही थी। हे भोलेनाथ, मेरी गाड़ी का पूरा बोनट बाहर आ गया। चल अभी के अभी डैमेज के पैसे निकाल, चल चल। अरे ऐसे कैसे अभी के अभी आपके डैमेज के पैसे निकालूं मैं, हैं? देखिए आपसे डैमेज हुआ है हमारी गाड़ी का, तो डैमेज के पैसे मैं क्यों दूं? कायदे से तो आपको मुझे देने चाहिए डैमेज के पैसे। ऊपर से मेरा ये 1 लाख का मोबाइल का नुकसान कर दिया आपने, देखिए ये पूरा डिस्प्ले खराब कर दिया आपने। वो तो आप औरत है इसलिए आपको मैं छोड़ रहा हूँ। मेरी माँ कहती है कि औरतों के साथ सलूकी से पेश आना चाहिए। जाइए, माफ किया आपको मैंने। देख सबने देखा है कि गलती तेरी थी, अभी तू अपनी गलती मान, मुझसे माफी मांग मेरे पैर पकड़ के, और मेरे डैमेज के पैसे भर, चल। अरे हम क्यों दे डैमेज के पैसे आपके, हमने चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, सर्कस लगा रखा है क्या यहाँ पे? हटो हटो, संतू हटा, सबको हटा, हटो। झगड़ा हो रहा, मजा आ रहा है, चुप ना, एंजॉय करते ना। है क्या चल रहा है यहाँ पे? हटो हटो हटो, सब हटो, पीछे हटो। क्या टोपा हो के सबके सब? ये क्या टाइम पास कर रहे हो मुफ्त का तुम? मैडम अच्छा हुआ मैडम आप आ गए, इस आदमी ने ना मेरी गाड़ी ठोक दी, और ऊपर से बोल रहा है कि मैं ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चला रही थी। हाँ तो ढंग से ही तो नहीं चला रही थी आप गाड़ी, तभी तो गाड़ियां ठुकी आपस में। देखिए देखिए मैडम, आप मेरा वो कीजिए, वो क्या वो होता है ना, वो अपना वो क्या, शेव? शेव नहीं,
वो आदमी है ना, वो जो गाता है, वो कविता गाता है, वो कोई दीवाना कहता है, पॉलिटिक्स में भी आता है वो। हाँ हमको पता है, कुमार विश्वास। हाँ विश्वास मैडम, विश्वास कीजिए हमारा मैडम, ट्रस्ट में। देखिए मैडम, हम तो सीधा सीधा अपनी गाड़ी चलाते हुए जा रहे थे अपनी लेन में, है ये मैडम आई बचकाने तरीके से, बचकाने तरीके से आई और हमारी गाड़ी को ठोक दिया। मैडम मुझे लेट हो रहा है, मोबाइल भी रिपेयर कराना है, मम्मी भी चिंता कर रही होगी, मैं चलता हूँ। ओके मैडम, जय हिंद। ऐसे कैसे चलता है? हाँ मैडम, इसने मेरी गाड़ी ठोकी है, ये ऐसे कैसे चल सकता है? हाँ तो मिल जाएंगे ना तुम्हारी गाड़ी के पैसे इंश्योरेंस कंपनी से, फिजिकल डैमेज भी ज्यादा दिखाई नहीं पड़ रहा है हमको, जो इतना भौकाल मचा के रख दिया यहाँ पे। दोनों एक दूसरे को सॉरी बोलो, हाथ मिलाओ और अपने अपने रास्ते चलो, केस क्लोज्ड। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच मैडम, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। मैं थैंक यू। हटो हटो, मोबाइल दो, मेरा मोबाइल दे, मोबाइल दे। नहीं, पुलिस स्टेशन के यहाँ पे चोरी कर रही हो तुम, फोन दे दो। दूर हट मुझसे। देखो पुलिस स्टेशन के सामने तमाशा मत करो और हमको तुम पे जबरदस्ती करने पर मजबूर मत करो, दे दो फोन। दो नहीं दूंगी, पहले तू माफी मांग। ले लो, come on पुष्पा जी, jump, you can do it, come on पुष्पा जी, jump, पुष्पा जी jump। सॉरी मैडम, लेकिन अगर इस आदमी ने अपनी गलती नहीं मानी और मेरे नुकसान के पैसे नहीं दिए ना, तो मैं इसका फोन तोड़ दूंगी। तुम्हारी तो थाने के बेंच पे चढ़कर हमको ही धमका रही हो, एक लप्पड़ मारेंगे मुंह से एक ही बात निकलेगी। जानी दरोगा बहुत से देखे लेकिन तुम सा नहीं देखा। क्या बात है बदनाम भाई। एक मिनट, ये सब क्या हो रहा है यहाँ पर? मैडम हमें इंसाफ दिलाइए ना, अगर थाने के सामने ही ना इंसाफी होगी तो थाने का क्या मतलब? इस आदमी से मुझे मेरे नुकसान के पैसे वापस दिलाइए मैडम, प्लीज मैडम प्लीज। अच्छा ठीक है, आप पहले नीचे उतरिए, उतरिए नीचे। चलिए हमारे साथ, हम सुनते हैं आपकी बात, आइए। और क्या आप लोगों ने भीड़ इकट्ठा करके रखी, जाइए आप सब प्लीज। हाँ मैडम, चलो चलो जाओ जाओ, अपना अपना काम करो, चलो कुछ काम धाम करते नहीं। हाँ चलिए चलिए, आप लोग आगे जाइए, चलिए अंदर चलो। ठीक है, हम लोगों ने आपकी सारी बातें सुन ली है, और जस्ट अ सेकंड। हाँ मम्मी, पेट दर्द हो रहा है, कुछ बोलना है क्या? अरे बोल दे वरना ऐसे ही पेट में मरोड़ होते रहेंगे। कुछ सुना ही नहीं मैंने। अच्छा ठीक है, रखते हैं फोन। सॉरी अबाउट दैट जी, तो हम कहाँ थे? हाँ तो हमने आप सब की बातें सुन ली है, लेकिन हमें नहीं लगता कि ये मामला इतना बड़ा है। मतलब आपकी गाड़ी को देखकर तो ऐसे छोटे मोटे एक्सीडेंट्स तो हमेशा ही होते रहते हैं, तो हमें नहीं लगता कि इस बात को इतना तूल देने की जरूरत है। और रहा सवाल आपकी टैक्सी का, तो इंश्योरेंस है ना, उसमें कवर हो जाएगा। पर मैडम वो टैक्सी मेरी नहीं है, मैं तो बस उस गाड़ी की ड्राइवर हूँ, और मैडम मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है। अगर हमारे मालिक को ये पता चल गया कि मैंने उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट कर दिया, तो वो मुझे खड़े पैर नौकरी से निकाल देंगे। मैडम अब आप ही बताइए, पूरे परिवार की जिम्मेदारी है मुझ पर मैम। नहीं मैडम सर, आप इमोशनल मत होइए, आप इमोशनल होती है रॉकेट हम सबका बन जाता है। प्रैक्टिकल एंगल भी तो देखिए, ऐसा छोटा छोटा केस सॉल्व करेंगे तो चल लिया हमारा थाना। सबको काम है, हमको है, आपको भी तो होंगे होंगे, बहुत सारे काम होंगे। हो सकता है ना मैडम सर को अपनी मौसी से किसी का नंबर मिला हो, उन्हीं से बात हुई हो, मिलने जाना फिक्स हुआ हो, मिलने जाना होगा ना मैडम सर को भी, बहुत सारे काम होंगे। हो गया पेट दर्द ठीक? चल मैडम सर।
मैडम आप अपना वक्त खामखा बर्बाद कर रही हैं। मैम गलती इन्हीं की है, मेरी कोई गलती नहीं है। मम्मी कसम। हमको तो लगता है ना ये लड़का सच कह रहा है। आपको कैसे मालूम? अपनी मम्मी की कसम खा रहा है ना। हमारा लल्ला हमारी कसम खा के कभी झूठ नहीं बोलता, कसम से। आपको कैसे मालूम? अरे क्या कैसे मालूम देख नहीं रही हो? अगर हमारा लल्ला हमारी झूठी कसम खाता तो क्या हम अभी तुम्हारी आंखों के सामने जिंदा खड़े रहते? पुष्पा जी अपने और अपने लल्ले का डीएनए चेक करवा लो, कहीं और विकेट गिर रही होगी। अम्मा बिल्लू चुप करो यार, कुछ भी बकता है। मैडम एकदम साफ सुथरा और निष्पक्ष केस है, गलती सरासर ही नहीं की है, लेकिन क्या है कि ये लेडीज हैं और मुझे भी कहीं पर जाना है, तो आप इस केस को रफा दफा कीजिए और मुझे फ्री कर दीजिए। नहीं मतलब ऐसे बेमतलब से केस पर सर धुन के क्या फायदा मैडम, हम सबका वो यही तो बर्बाद हो रहा है। क्या? अरे वो ये जो होता है ना, वो एग्जाम लिखने के टाइम पे वो जो कम पड़ जाता है दिमाग। दिमाग नहीं, वो जो पत्नियां जो अपने हस्बैंड को बोलती है ना, तुम्हारे पास तो मेरे लिए ये ही नहीं है, तुम्हारे पास तो मेरे लिए ये ही नहीं है, वो टाइम। टाइम मैडम, टाइम ही तो बर्बाद होगा ऐसे केस में सर धुन कर। मुझे जाना है, मजबूरी है मैडम, मोबाइल भी रिपेयर कराना है, मैं चलूं, मम्मी राह देख रही होगी। जय हिंद। रुकिए, आप कहीं नहीं जा सकते क्योंकि इस एक्सीडेंट से इनकी नौकरी जुड़ी है और नौकरी से पूरा परिवार, इसलिए जानना बहुत जरूरी है कि गलती किसकी है। संतोष बाहर जो सीसीटीवी कैमराज लगे हैं हमें उनका फुटेज चाहिए। यस मैडम सर। संतोष शर्मा क्या है ये, कुछ भी नहीं दिख रहा। आई डोंट नो मैडम सर, सुबह चेक किया था सब ठीक था, अभी पता नहीं ये। कोई सिस्टम खराब नहीं हुआ है, किसी का पेट खराब हो गया था। देखिए किसी आवारा कबूतर ने सीसीटीवी स्क्रीन पर कैसे उच्च कोटि की नक्काशी की है, देखिए। अगर ये साफ होता तो ये टाइम पास होता ही नहीं। हाँ तो मैडम मैं निकलू। जय हिंद। अरे मैडम प्लीज मैडम, अरे अगर ये चले गए तो इनके साथ मेरी नौकरी भी चली जाएगी, और अगर इनको जाना ही है तो इनसे बोलिए कि ये कागज पे लिख के दे कि गलती इनकी है और इन्होंने मेरी टैक्सी ठोकी है। कमाल की लेडीज हैं आप, जो मैंने किया ही नहीं उसको मैं कबूल क्यों करूं? देखिए आपने मेरी गाड़ी ठोकी, आप मानिए अपनी वो क्या? अरे वो जो अनुराग कश्यप ने वो जो बॉम्बे वेलवेट बना के किया ना, वो गलती। हाँ गलती। कुछ भी उदाहरण देते हो तुम, ऐसा नहीं बोल सकते थे कि हमने इसको अपनी बहू बनाकर क्या की? गलती। हाँ वही गलती, आप मानिए अपनी गलती, आपने ठोकी है मेरी गाड़ी। ए झूठ मत बोला, तुमने ठोकी है मेरी गाड़ी। तुमने ठोकी है मेरी गाड़ी, पूरी पूरी दुनिया ने देखा होगा। एक मिनट, आप ठीक कह रहे हैं, अगर ये एक्सीडेंट हुआ है बाहर तो सबने देखा ही होगा, तब तो ये पता लगाना बहुत आसान है कि इनकी टैक्सी ने आपकी गाड़ी को ठोका है, आपकी गाड़ी ने इनकी टैक्सी को। करिश्मा सिंह जी। जी मैडम सर। इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन आप करेंगे और आपकी सारी की सारी रिपोर्ट डायरेक्टली हमें चाहिए, और हाँ रिपोर्ट चाहिए आपकी सोच नहीं। हम क्यों मैडम सर? बिकॉज दैट्स एन ऑर्डर। हमारी मलाइका जो है ना बहुत अच्छा खाना बना दी है, खा लो। अरे खा लो, तुम खाओगे? ओ आ रहने दो, खा लो। पार्वती पार्वती ये क्या हाल कर दिया तूने मेरी गाड़ी का? शान शान कौन है ये? जी कार्तिक बजाज, मेरे मालिक। मालिक? मालिक का कहा, सुनती कहा है तू कुछ? शान भाई साहब शान, ये पुलिस थाना है, मोहल्ले की रामलीला नहीं है जो आप इतना भौकाल मचा रहे हैं, समझे ना? भौकाल तो इसने मचा दिया है मेरी गाड़ी का, बाहर मेरी गाड़ी देखिए, आइए अब आइए। अम्मा
देखो तुमने क्या कर दिया। अरे क्या हालत कर दी तुमने मेरी गाड़ी की। सर आप मेरा यकीन कीजिए, मैंने कोई गलती नहीं की। गलती तुम्हारी नहीं, गलती मेरी है जो मैंने तुम्हें नौकरी पे रख लिया। अरे लोगों ने मुझे मना किया था, टोका था मुझे, कहा था कि औरत को नौकरी पे मत रखो, औरतें अच्छी ड्राइवर नहीं होती, लेकिन मैंने किसी की बात मानी नहीं। अब देखो क्या कर दिया तुमने, मेरी गाड़ी की हालत देखो। एक मिनट देखिए, अभी तक पूछताछ चल रही है, अभी तक पता नहीं चला है कि गलती किसकी है। अरे मैडम गलती इसी की है, इसी ने गाड़ी ठोकी है। मैडम सर ये 3 लंगूर मिले, जल्दी आओ। इन लोगों का दावा है कि इन्होंने एक्सीडेंट होते हुए अपनी आंखों से देखा है, ये बिरयानी वाला, ये चाय वाला और ये बाल काटने वाला। अब यही बताएंगे कि सच क्या है। अच्छा तो बताइए फिर किसकी वजह से हुआ ये एक्सीडेंट। ये झूठ बोल रहे हैं। मैंने कोई गलती नहीं की, एक्सीडेंट इस लड़के के कारण हुआ था, ये रॉन्ग साइड से घुसा था। वाह वाह, आपको क्या लगता है ये सब झूठ बोल रहे हैं? ये सब झूठ है, ये इनकी इनकी आंखों में क्या वो हो गया, वो क्या होता है वो आजकल के कुत्तों का नाम क्या होता है वो? अच्छा टॉमी। अरे पुराना है वो टाइगर। अरे आउटडेटेड है वो। मोती। हां हां मोती को कैसे बुलाते हैं? मोतिया। आपको क्या लगता है इन सबको मोतिया हो गया है? आप लोगों को पूरे यकीन है कि गलती इन्हीं की थी? 100% यही है मैडम। 100% यही है मैडम, हम अपनी आंखों से देखे हैं। अब औरत है, गाड़ी जब भी चलेंगी ठोकेंगी जरूर। और मैं अपने तजुर्बे से कहता हूं कि ऐसे मामलों में 100% औरतों की गलती होती है। अरे मर्दों का काम मर्दों को करने दो भाई, आप बैल मुझे मार क्यों करते हो? और आप, आपको क्या लगता है? नहीं मैडम, मैं औरत मर्द के भेदभाव को नहीं मानता, मगर हाँ रही बात गाड़ी की, तो गाड़ी और औरत नदी के दो किनारे जो कभी एक हो ही नहीं सकते। अगर औरत गाड़ी चलाएगी तो किसी न किसी को ठोकेगी जरूर, गारंटी के साथ। अगर औरत गाड़ी चलाएगी तो किसी न किसी को ठोकेगी जरूर, गारंटी के साथ। वही तो। अब मैडम देखिए, मेरे घर में ना पापा चलाते हैं लेकिन मम्मी को ड्राइव करने के लिए देते ही नहीं, क्योंकि वो मम्मी के लिए वो नहीं है ना, वो जो होता है ना, वो जो हमारी जनता को हमारे नेता पर बिल्कुल नहीं होता, वो क्या होता है वो? भरोसा। भरोसा मैडम, भरोसा ही तो नहीं है पापा को मम्मी की ड्राइविंग पे। सही कहा एकदम। अरे मेरी वाइफ को ले लो, वो जब भी ड्राइविंग करती है ना तो इंडिकेटर लेफ्ट का मारती है, मूड राइट जाती है, औरत अच्छी ड्राइवर नहीं होती। ये क्या भौकाल मचा के रखा है सबने? किसने कहा कि औरत गाड़ी अच्छा नहीं चला सकती? इनका नहीं पता लेकिन हमारे बाइक के पीछे बैठो, ब्रह्मांड घुमा के धरती पे लाके नहीं पटका तो बोलो। उसी बात का तो डर है, पटक दोगे तुम भाई तो। आप ना जरा ना बोले तो ही अच्छा है करिश्मा जी, हम आते हैं ना रोज आपके साथ बाइक पे बैठ के घर तक, हमको तो रोज साक्षात यमराज के दर्शन होते हैं। वो तो उनका बड़प्पन है जो आज तक हमको साथ लेकर नहीं गए। वो मन में पैसे बचाने का लालच ना होता ना तो हम आपकी बाइक की तरफ मुड़कर भी नहीं देखते। हमको तो लगता है ना मैडम सर, ना ये घर अच्छे से चलाती है और ना ही गाड़ी। फिर शुरू हो गई आप। कितनी बार समझाए हैं आपको कि जगह और मौका देख के हमसे बात किया कीजिए, हम सीनियर आपके यहाँ, भूलिए मत। तो सीनियर हुए तो क्या हुआ, कुछ भी हाकेंगे आप ज्यादा। अरे बस, अरे कुछ तो जगह देख कर। और आप सब ये क्या बकवास चल रहे हैं यहाँ पर? कहाँ से आई ये घटिया सोच कि सिर्फ मर्द ही अच्छी गाड़ी चला सकते हैं और औरत नहीं चला सकती? क्यों देखा जाता है औरत को ऐसी शक की हिकारत भरी नजरों से? एक बात समझ लीजिए, अगर एक औरत आपको सही सलामत इस दुनिया में ला सकती है तो वो सही सलामत घर भी पहुंचा सकती है, ऊपर भी पहुंचा सकती है मैडम। हाँ अगर औरत के हाथ में स्टेयरिंग हुआ तो। आप जो बोल रही है ना वो सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन गाड़ी चलाना औरत के बस का काम नहीं है, औरतें अच्छी ड्राइवर्स नहीं होती है। और
ये बात तो तय है कि गलती सारी इस लड़की की है, इसलिए मैं इसे नौकरी से निकाल रहा हूँ। फाइनल। मैडम सर, हम इस बात से तो बिल्कुल सहमत नहीं है कि औरतें अच्छा ड्राइव नहीं करती, पर हाँ, अगर आपने हमारा बात सुन लिया होता ना, तो आज ये नौबत ना आती। हम कुछ भी जुगाड़ लगा के ये केस रफा दफा कर देते और आज इनका जॉब बच जाता। लेकिन हम तो ड्यूटी पर है, फर्ज है आपके ऑर्डर फॉलो करना। आज आपके जज्बातों की वजह से ना एक औरत नहीं, काफी औरतों पर धब्बा लग गया है।